हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? पढ़ते हो? वीडियो देखते हो बच्चों? ओके बच्चों, वीडियो देखना है। ओके। और बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमारी रिमझिम की किताब पढ़ी थी, पता है ना? क्या पढ़ी थी? रिमझिम की किताब पढ़ी हुई थी। पर रिमझिम की किताब तो हमने पढ़ ली, पर पता है हम वर्कबुक भी लेके आए हैं। तो आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे। वर्कबुक में जो पहला पार्ट दिया गया है ना, हमारा पार्ट झूला, उसकी प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। आप रेडी हो ना? तो चलो हम शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना है ना बच्चों, जैसे स्कूल में बैठ कर पढ़ते हो ना, एकदम सीधे बैठ जाते हो, पेंसिल नोटबुक हाथ में ले लेते हो, उसी प्रकार से वीडियो देखते टाइम ये देखना है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ओके, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारी वर्कबुक है। वर्कबुक का पार्ट एक, क्या लिखा गया है? अध्याय एक, झूला। हमने झूला कविता पढ़ी थी ना, वो पेज नंबर 9। तो बच्चों, इसमें देखो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, में जो भी सही होता है उसको हमको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, बालक झूला लगाने को किसे कह रहा है? हमने कविता पढ़ा था, बालक किसको झूला लगाने के लिए कह रहा था? तो देखो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पिताजी को, माताजी को, बहन जी को, दादाजी को। तो क्या है सही इसमें से? कौन सा राइट है? किसको बोला था उसने? माताजी को। वो बोल रहे थे ना, अम्मा आज लगा दो झूला, तो किसको बोला था वो? माताजी को। तो देखो, माताजी के सामने बॉक्स में हमको क्या कर देना है? राइट का टिक कर देना है। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न, बालक झूले पर चढ़कर क्या छूना चाहता है? बालक झूले पर बैठ कर क्या करना चाहता था? किसको छूना चाहता था? छत को, पेड़ की डाली को, इंद्रधनुष को, कर आसमान को। तो किसको छूना चाहता था? बच्चा आसमान को छूना चाहता था। तो हमने उसके सामने राइट कर दिया है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर आगे, इनमें से झूला कौन झूल रहा है? इनमें से झूला कौन झूल रहा है? डाली, लड़की, गाय, नदी। तो इसमें से कौन सा सही है बच्चों? झूला कौन झूल रहा था? झूला कहाँ बंधा हुआ था? डाली पे। तो डाली झूला के साथ क्या झूल रहा था? डाली भी झूल रही थी। तो इसका सही उत्तर है डाली, है ना। फिर देखो फोर्थ नंबर में, इनमें से झूला कौन नहीं झूल रहा है? पहले हमने क्या देखा? भाई कौन झूल रहा है? अब देखना है कि कौन नहीं झूल रहा है। तो डाली, पत्ता पत्ता, धरती, हिरण। तो कौन नहीं झूल रहा है? हिरण नहीं झूल रहा है। क्यों? हिरण का तो नाम ही नहीं आया है अंदर। ओके, अब देखो आगे, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हमने कविता पढ़ी ना, कि कविता है पर यहाँ पर आधी आधी। देखो यहाँ पर लिखा गया है, अम्मा आज, फिर आगे क्या आएगा? अम्मा आज लगा दे झूला। हमने पढ़ा ना कविता, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। हो गई पूरी लाइन? देखो, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। फिर देखो आगे, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल। फिर देखो आगे, फिर बरस रहा है क्या? रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। बच्चों यहाँ पर दिया गया है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। मतलब सही के सामने सही का निशान लगा देना है, और जो लाइन गलत है उसके सामने गलत का निशान लगा देना है। ओके, चलो पढ़ते हैं। बालक कूदना चाहता था, झूला वाले पार्ट में बालक क्या करना चाहता? बालक तो झूला झूलना चाहता था, और यहाँ पर क्या? बालक कूदना चाहता था। तो क्या लाइन गलत है? तो हमने गलत कर दिया। ओके, फिर देखो सेकंड नंबर में,
बालक अम्मा से झूला लगाने को कहता है। हाँ बालक क्या बोल रहा कि अम्मा आज लगा दे झूला, बोल रहा था ना, तो सही है। फिर देखो बालक झूले पर चढ़कर छत को छूना चाहता था, नहीं बालक तो आसमान को छूना चाहता था। बालक रुपये लूटना चाहता था, नहीं। ओके तो देखो हमने देख लिया। फिर देखो आगे क्या है, चित्र को सही शब्द से मिलाइए। चित्र देखना है, उसको सही शब्द से मिलाना है। तो देखो बच्चों पहले चित्र देखते हैं, ये चित्र किसका है, सपेरा। तो ये इसमें सपेरा ये लिखा हुआ, तो हमने इसको मिला दिया। फिर ये चित्र किसका है, क्या है ये, झूला। तो ये लिखा हुआ झूला, तो हमने झूले से मिला दिया। फिर देखो आगे, ये किसका चित्र है, इमली। ई ई से इमली, पढ़ा था ना हमने। फिर ये क्या है, पेड़। तो प से पेड़ मिला दिया, आया आपको बच्चों। फिर देखो आगे देखते हैं, वो प्रश्न उत्तर है, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, झूला कौन झूलना चाहता था, तो बालक। बालक क्या करना चाहता था, बालक झूला झूलना चाहता था। बालक झूला किसे लगाने के लिए कह रहा है, बालक झूला किसे लगाने के लिए बोल रहा है, बालक झूला अम्मा को लगाने के लिए बोल रहा है। कविता में कौन कौन झूलते हुए बताए गए हैं, कविता में क्या बताए गए, कौन कौन झूल रहे हैं, डालियां पत्तियां धरती झूलते हुए बताए गए हैं। बालक झूले पर चढ़कर क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, बालक झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। बच्चों देखो अब क्या है, हमने किताब वाले प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, पर हमारी जो कविता है ना उसके अंदर भाषा व्याकरण पर भी आधारित प्रश्न आए, व्याकरण के भी मिलते जुलते प्रश्न आए हैं। चलो अब वो हम पढ़ते हैं, है ना, वो देखते हैं, वो भी हमको आने चाहिए। तो नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखे, मतलब जो लाइन लिखे गए ना ये शब्द गलत है, उसको हमको सही करना है। तो देखो ये क्या है, पढ़ते हैं, अम्मा, क्या है अम्मा, तो इसको क्या क्या आएगा, अम्मा। तो बेटा देखो इसमें आधा म आ जाएगा, यहाँ पर पूरा म है, यहाँ पर आधा, तो अम्मा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अम्मा अम्मा, आधा म आता है। ओके फिर देखो ये क्या है, ये झूला। तो क्या है इसमें झ में बड़े ऊ की मात्रा आएगी ना, तो क्या आएगा, झूला। मतलब झ पे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हम कैसे बोलते हैं, ऊ बोलते हैं ना, इसे झूला। ओके फिर देखो ये ऊपर, तो क्या आएगा, ऊपर, बड़ा ऊ होता है उसके ऊपर ज़्यादा हम प्रेशर देना पड़ता है, ऊपर। ओके तो ये सही है। फिर देखो ये आसमान, आसमान होता है नहीं, क्या होता है, आसमान। फिर ये क्या है, डली, डली नहीं होता, क्या होता है बच्चों, ड के आ की मात्रा लगाएंगे, डाली डाली। फिर देखो ये पतता, पतता होता है नहीं, क्या होता है, पत्ता। आधा ये बीच वाला त है नहीं, पूरा त नहीं आता, कौन सा आता है, आधा वाला त आता है, तो क्या हो जाएगा, पत्ता। फिर ये देखो रिम, झीम नहीं आता, क्या आएगा, रिम झीम आता है नहीं आता, क्या आता है, रिम झीम। तो दोनों में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, तो ध पे भी छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर म, झ पे छोटी की मात्रा, फिर म, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, रिम झीम। फिर देखो ये बदल, बदल नहीं आता, क्या आता है, ब के आ की मात्रा लगेगी, तो बादल बादल, तो ब के हम आ की मात्रा लगा देंगे। ओके फिर देखो देखते हैं आगे, नीचे लिखे शब्दों से आ ई तथा ई की मात्रा वाले शब्द छाटिए। तो देखो आ की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले कौन से बच्चों, आ की मात्रा वाले शब्द है, इसमें हमको देखना ही है ना, ये बॉक्स इसमें सबको ढूंढना है। तो देखो आ की मात्रा में आ, फिर कविता में भी आ की मात्रा है, पत्ता, रास्ता और कमरा, है ना, ये आ की मात्रा वाले शब्द है। सविता भी है, फिर अब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखते हैं।
तो क्या आते हैं कविता और सविता, इनमें छोटी की मात्रा है। फिर बड़ी की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से, पक्षी, नदी, रही। ओके, तो हमको हमने मात्राएं पढ़ी हुई है इसलिए हमको ये आते हैं, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा। फिर देखो बच्चों, खाली जगह भरिए और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है ना, तो बना देना। खाली जगह मतलब कुर्सी के नीचे, खाट के नीचे और झाड़ियों के नीचे पीछे। ओके बच्चों, ये चित्र आप अपने अनुसार बनाना। और बच्चों, जो आगे वाले पेज नंबर पर क्या दिया गया है, आप इस पर किस पे झूला झूलते हैं, तो बच्चों आप ये उत्तर है ना, आपको स्वयं लिखना है इस पर कौन कौन पे आप कितना झूला झूलते हो, वो आप देखना और झूला झूलना। ओके बच्चों, तो हमने वर्कबुक पढ़ी है, तो इस वर्कबुक के प्रश्न उत्तर आप अपनी वर्कबुक में देख देख कर लिख देना। ओके, बाय बाय।